वह संकल्प है विकसित भारत का। विकसित भारत के संकल्प के साथ इसकी शुरुआत होनी है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बन सके, और इसके लिए हम लोग आए हैं कि मोदी जी को तीसरा कार्यकाल दीजिए। तीसरे कार्यकाल में पहले तीन वर्ष में मोदी जी भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी महाशक्ति के रूप में स्थापित करने जा रहे हैं, और यह विकसित भारत की आधारशिला बनेगा। विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है, और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए हमारा बदायूं भी विकसित हो, यह भी आवश्यक है। आप याद करिए, अभी दो महीने पहले हम लोग आए थे ना, यहां इसी जनपद में आए थे। बायो कंपोस्ट का एक बहुत बड़ा संयंत्र हम लोगों ने इस जनपद में उद्घाटन किया था। केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी भी मेरे साथ में थे। दातागंज क्षेत्र में हम लोगों ने उस संयंत्र को स्थापित किया, और उस समय भी मैंने कहा था कि विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित बदायूं भी आवश्यक है, और विकसित बदायूं के लिए भारतीय जनता पार्टी को आप सबका आशीर्वाद आवश्यक है, और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए आपके सी आशीर्वाद के लिए हम सब इसलिए आए हैं। आपने मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यकाल को देखा, बदलते हुए भारत को देखा है। 7 वर्ष का मोदी जी के मार्गदर्शन में बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा है। यही देश था 2014 के पहले, क्या स्थितियां थी। दुनिया में भारत का सम्मान नहीं रह गया था। देश के अंदर सीमाएं असुरक्षित थी, कहीं पे उग्रवाद था, कहीं नक्सलवाद था, कहीं आतंकवाद था। देश के अंदर किस प्रकार का भयावह वातावरण बनाया गया था। परिवारवाद के नाम पर देश के अंदर लूट खसोट करने की पूरी छूट उन लोगों को दी गई थी। वे लोग अराजकता फैला रहे थे, गुंडागर्दी फैला रहे थे, देश की राजनीति को अपनी बबौती समझ करके भारत की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। गरीबों के हकों पर टकैती डाली जा रही थी, उपद्रवियों को प्रश्रय दिया जाता था, और देश के अंदर जब कोई आस्थावान राम जन्मभूमि के बारे में कहता था तो उस पर लाठी डंडों से प्रहार करके उसकी मुंह को, उसकी आवाज को बंद करने का काम होता था। बहनों और भाइयों, इन 10 वर्षों में आपने देखा होगा दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद, उग्रवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है, और गरीबों को योजनाओं का लाभ मिलना प्रारंभ हुआ है। इतने प्रभावी ढंग से उसका क्रियान्वयन हुआ है, याद आप देख सकते हैं। हर गरीब को राशन मिलना है, 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलना है, आवास की योजनाएं मिल रही है, उज्ज्वला योजना का लाभ मिलना है, विद्युत के फ्री में कनेक्शन मिल रहे हैं। हर उस जरूरत को पूरा करने के लिए कार्य हुआ, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के भी बड़े बड़े कार्य हुए हैं, हाईवे, रेलवे, हर घर नल की योजना, और बदायूं के लिए तो कहना ही क्या, कंप्रेस्ड बायोगैस के प्लांट का तो हम लोगों ने उद्घाटन किया ही, गंगा एक्सप्रेसवे भी उद्घाटन की प्रतीक्षा कर रहा है। बहनों और भाइयों, यहां की इकोनॉमी की रीढ़ बनने जा रही है गंगा एक्सप्रेसवे।
लाखों रोजगार और नौकरी लेकर के आएगी गंगा एक्सप्रेस वे।